भाइयों और बहनों, सबका साथ सबका विकास इस मंत्र पर चलते हुए बीते 55 महीनों में अरुणाचल और उत्तर पूर्व के विकास के लिए ना तो कभी फंड की कमी आने दी गई और न ही इच्छा शक्ति की कमी आई है। बीते वर्षों में राज्य को 44,000 करोड़ रुपयों का फंड दिया गया, जो पिछली सरकार की तुलना में लगभग डबल है, डबल। इसके अलावा केंद्र सरकार यहां हजारों करोड़ के अन्य प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही है। विकास की इसी कड़ी में आज अरुणाचल में एक साथ 2 एयरपोर्ट का उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है। संभवतः ये पहली बार है कि भारत में किसी भी राज्य में एक एयरपोर्ट पर काम पूरा हुआ हो और दूसरे पर काम शुरू हुआ हो। अरुणाचल प्रदेश के लिए तो ये और भी अहम अवसर है, क्योंकि आजादी के इतने वर्षों तक यहां एक भी ऐसा एयरपोर्ट नहीं था जहां नियमित रूप से बड़े यात्री जहाज उतर पाए। गुवाहाटी तक एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी थी और वहां से या तो सड़क के रास्ते आपको आना जाना होता था या फिर मजबूरी में या इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ता था। साथियों, आज से तेजू एयरपोर्ट सामान्य जनता से जुड़ी यात्री सेवाएं देने के लिए तैयार है। तेजू हवाई अड्डे को लगभग 50 साल पहले बनाया गया था और उसके बाद किसी ने ये नहीं सोचा कि इसका इस्तेमाल यहां के लोगों को देश से जोड़ने के लिए भी किया जा सकता है। हमारी सरकार ने इस छोटे एयरपोर्ट का करीब 125 करोड़ रुपया खर्च करके विस्तार किया, यहां की आधुनिक सुविधाएं जुटाई। अब इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी गुवाहाटी, जोरहाट और वालोंग से हो जाएगी। और ये भी मैं बताऊं, अरुणाचल प्रदेश प्राकृतिक रूप से इतना बड़ा समृद्ध है, अगर दिल्ली और बड़े शहर के लोगों को यहाँ के भिन्न भिन्न कलर के पुष्प, ताजे फूल अगर देखने को भी मिल जाए ना, तो भी शायद वो दिन भर वहीं देखते रहेंगे। अब ये हवाई अड्डा बनने से हम कुछ ही घंटों में यहाँ से फल फूल हिंदुस्तान के बड़े मार्केटों में ले जा सकते हैं, मेरा किसान कमाई कर सकता है। साथियों, कुछ महीने पहले ही अरुणाचल के लिए कमर्शियल फ्लाइट शुरू की गई थी। अब इस एयरपोर्ट के विस्तार से आपको दोहरा लाभ होने वाला है। सरकार का प्रयास है कि उड़ान योजना के तहत बहुत ही सस्ती हवाई यात्रा का और अधिक फायदा अरुणाचल प्रदेश के आप सभी को मिल सके। साथियों, करीब 1,000 करोड़ रुपए की लागत से होलांगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास भी आज हुआ है। कुछ महीने पहले ही देश के 100वें और नॉर्थ ईस्ट के पहले ग्रीनफील्ड पोक्योंग एयरपोर्ट का लोकार्पण करने का सौभाग्य मुझे मिला था। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि नॉर्थ ईस्ट के इस दूसरे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन भी
समय से ही करने का प्रयास किया जाएगा।